कैसे लग रहे हैं हम? बढ़िया डाल के है ना? हाँ एकदम। लेकिन ये अगर खरीदेंगे तो मिलेंगे नहीं है ना? नहीं मिलेंगे ना, लेकिन इसका टेस्टी अलग है एकदम। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 4 जुलाई 2022, टाइम हो रहा है 8:30 और बस गाड़ी में ही सो रहा था मैं, उठ गया और एक भैया आए यहाँ पे, वो भी टूर वूर करवाते हैं, उनकी किया की गाड़ी है, तो कराता हूँ इंट्रो, कौन है कहाँ से सारा कुछ। सो गाइस ये है भैया, हेलो, कैसे हो सर? बढ़िया सर। क्या नाम है सर आपका? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा सर है, ये क्या करवाते हैं आप? टूर करवाते हैं। अच्छा टूर करवाते हैं, भैया टूर करवाते हैं और किया की गाड़ी है, गाड़ी व्हाइट कलर की सामने खड़ी है, देखो ये वाली गाड़ी है, बहुत ही मस्त गाड़ी है, किया वालों की तो गाड़ी वैसे ही मस्त है। तो कहाँ कहाँ जाते हो सर? क्या नाम है, नैनीताल, मथुरा, और क्या नाम है, मंसूरी। अच्छा अच्छा, वही सब जो हम जाते हैं वही। सो गाइस वही जैसे हम करते हैं, लेकिन इनकी किया की गाड़ी है, वही हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, सालासर, खारसा, हर जगह हम जाते हैं। तो आप भी जाना चाहते हैं हमारे साथ, कॉन्टैक्ट करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स चेक करो, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पड़ा हुआ है। तो टूर करते हो मजे आते हैं? मजे कस्टमर बढ़िया मिल जाए तो बहुत मजे आते हैं ना, कस्टमर पर डिपेंड करता है। देखो फैमिली बढ़िया मिल गई तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं और हम भी इन्जॉय करते हैं, वो भी इन्जॉय करते हैं। अगर फैमिली थोड़ी सी मतलब ऐसी होती ना, हर तरह के लोग हैं आजकल की दुनिया में, कुछ लोग ज़्यादा मेल मिलाप वाले होते हैं, कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं, खराब कोई नहीं होता, सब अच्छे ही होते हैं ना। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, अभी हम उठे हैं तो भैया से कल ही मुलाकात हो गई थी, लेकिन कल मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, भैया के साथ में खाना वाना हम लोग साथ ही में खाने गए, बहुत ही मजे आए सच में, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और कोई है नहीं ड्राइवर, तो भैया है, मैं हूँ, तो हम लोग अभी जाएंगे, हमने प्लान करा है कि हम नदी घूमने जाएंगे, सामने नदी, तो कल मैं घूमने जाने वाला था ना, तो नदी घूमने जाएंगे, और आम के पेड़ हैं यहाँ पे, पके हुए आम लगे हुए हैं, बिल्कुल मीठे मीठे पीले पीले, तो लेंगे पेड़ वालों की परमिशन और खाएंगे आम, और हो सका तो लेके भी आएंगे, जैसा होगा सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिम कॉर्पोरेट पार्क रामनगर उत्तराखंड से, गो। सो गाइस हम आ गए हैं नदी के पास में, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, और वो देखो भैया जा रहे हैं नदी के पास उधर मज़े आएंगे, इधर बिल्कुल सुनसान पड़ा है पूरा, और हमारे अलावा कोई नहीं दिख रहा है, तो मैं भी चलता हूँ उधर, धूप हो रही, कैमरा ब्लर हो जाता है, ये मोबाइल का कैमरा यूज़ करता हूँ, यही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ले लूँगा गोप्रो या कोई बढ़िया कैमरा, फिर वीडियो बढ़िया बढ़िया बनेंगी। अभी देखो यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चल नहीं रहा, हल्के हल्के पानी चल रहा है बहुत, और भैया मज़े आ रहे हैं, तो मज़े आ रहे हैं, टहल रहे हैं, इधर ही बारिश का पानी तो लग रहा ही, अभी बारिश वरिश हुई है ना, वही पानी आ रहा है कल से, तो ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन इधर ना जो क्या बोलते हैं उनके लिए, अभी भी थे वो जो म्यों म्यों कर गिदड़े, गिदड़े भैया गिदड़े बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ क्या बोलते हैं, वो सिरकटा बोलते हैं, तो वो सिरकटा थे, वो म्यों म्यों रात में करते हैं ना, वो हु हु कैसे ऐसे, वो पानी पीने आए थे, अभी वो बहुत सारे थे, 10-15 थे इकट्ठे, लेकिन मंकी भी आके मंकी नहा रहे हैं, दिखाते हैं मंकी कैसे नहा रहे हैं आपको, सामने वाले कैमरे से भी बढ़िया करके दिखाते हैं ना, मजे आए तो वीडियो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ में, तो करता हूँ कैमरा चेंज और मिलता हूँ मंकी को दिखाते समय। सो गाइस गए थे बंदर देखने, लेकिन बंदर सब भाग गए वहां से, तो डर गए ना, और हम भी थोड़ा डर लग रहा था, कोई ऐसा ना हो मोबाइल ही छीन के भाग जाए, बंदर का कोई पता नहीं है किस समय मोबाइल लेके कब भाग जाए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी दूरी पे, कितनी दूर होगा पेड़, समथिंग 500 मीटर, क्या 500 मीटर, 500-600 मीटर पेड़ है, पेड़ पे पहुँच के मिलते हैं आपको आम बीनते समय, आम हम देखेंगे अगर मिल जाएंगे तो ले आएंगे, बहुत मन है आज डाल का आम खाने का। सो गाइस अभी पहुँच रहे हैं आम के पेड़ पे, और मिलते हैं आम के पेड़ पे पहुँच के कुछ देर के बाद। पेड़ पे आम लग रहे हैं बहुत सारे, झड़ रहे हैं यहाँ पे, और मैंने बहुत सारे आम यहाँ पे बीन के इकट्ठे करे हैं, और यहाँ पे आम कोई मतलब ऐसे पड़े रहते हैं, कोई उठाता नहीं है, अपनी दिल्ली में तो लोग छोड़ेंगे नहीं, देखो इतने सारे आम मैंने बीन के इकट्ठे करे हैं, हैं तकरीबन 1-1.5 किलो होंगे, लेकिन ये खरीद भी सकते हैं, लेकिन पता क्या खरीदने की बात नहीं, ये डाल के आम है, बिल्कुल पके हुए, बहुत ही मीठे हैं, तो ले जाऊंगा घर, घर वाले हो जाएंगे खुश क्योंकि डाल के आम लेके आया हूँ, ये मतलब अगर कहीं खरीदेंगे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ये डाल के आम ना पेड़ के नीचे मिल गए, तो मैं कट्टे में भर लेता हूँ और देखता हूँ आगे, और मिल जाएंगे तो और ले लूँगा। सो गाइस हम आ गए गाड़ी पे अपनी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दूर हम सोच रहे हैं 500 मीटर होगा, लेकिन 600-700 मीटर बैठ गया, तो आम हम लोग बीन लाए, मैंने वहाँ भी दिखाया आपको, देखो ये भैया
आम पकड़े हैं ना, कैसे लग रहे हैं आम? बढ़िया डाल के है ना एकदम। लेकिन ये अगर खरीदेंगे तो मिलेंगे नहीं, है ना? नहीं मिलेंगे ना, लेकिन इसका टेस्टी अलग है, एकदम मीठे हैं। मीठा आम है एकदम। देखो इतने सारे हैं, कट्टे में भर लाए हम लोग, कट्टे में पूरे। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, तो थोड़ी देर एसी ऑन करके गाड़ी में बैठ लेते हैं ना, गर्मी पसीने के मारे हाल खराब होगा। कभी इतना पैदल चलते नहीं, लेकिन 600-700 मीटर चल गए एक तरफ से, मतलब 1-1.5 किलोमीटर चल गए। तो बैठते हैं गाड़ी में, मिलते हैं कुछ देर। टाइम हो गया 10:10 और राइडर हमारे आ गए हैं, चेकआउट कर दिया है कैसे रिजॉर्ट से, और मैंने सामान ऊपर बांध लिया, 2 ब्रीफकेस। पिछली बार पीछे ब्रीफकेस रख लिए थे तो राइडर को बैठने में दिक्कत हो रही थी, सर बोले ऊपर बांध लो ऊपर सही रहेगा, तो ऊपर बांध लिए। अभी निकल रहे हैं, मैंने ड्रेस पहन लिया है यूनिफॉर्म, रास्ते में कोई चेकिंग हुई तो फाइन ना लगे इसलिए। तो यूनिफॉर्म जिस पहन के आया था उस दिन पहन ली थी, आया था उस दिन और आज, और कल मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। कल गिरजा देवी गए थे और गए थे ही थे, तो बस 10 मिनट में राइडर आ जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। तो रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, इसमें काशीपुर में CNG पड़वानी है, और उसके बाद देखेंगे आगे कहीं रुकेंगे तो अपडेट करेंगे, वरना फिर मिलेंगे अगले स्टॉप पर पहुँच के। तो अच्छा रहा आज का दिन, बाकी राइडर से भी पता करेंगे। टाइम हो गया है 10:20 और हमारे राइडर आ गए पिकअप कर लिया है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज सर ने चेकआउट कर दिया, आप दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, तो अभी सर से पता कर लेते हैं कि उत्तराखंड रामनगर जिम कॉर्पोरेट पार्क में कितना एंजॉय किया। 3 दिन से यहाँ से हैं तो सारा कुछ घूमे हैं, तो सर से ही बात करते हैं। सर सो गाइस हेलो। हेलो सर, कैसा लगा जिम कॉर्पोरेट पार्क में 3 दिन? शानदार, बढ़िया लगा ना? 3 दिन बढ़िया रहा, फुल एंजॉय किया ना, टेंशन फ्री एकदम ना। अभी हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और तकरीबन 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे समथिंग। तो पटेल सर कैसा लगा? फाइन, बढ़िया आया ना, मजे आए ना, पसंद आया जिम कॉर्पोरेट पार्क? बहुत अच्छा। और सर बढ़िया? बस सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं और सभी सर ने एंजॉय किया है बाकी 3 दिन यहाँ आके। दिल्ली में थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, शोर शराबा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांति है, तो काफी मजे किए सर ने। और अभी मिलते हैं कभी अगले नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच के, तो अभी बोलते हैं सभी लोगों को बाय बाय। Bodies intertwined. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need. क्या 2:20 और हम पहुंच गए हैं मोगा ढाबा। मोगा ढाबा पे रुके हैं, सर ने बोला आज यहाँ खाना खाना है, तो सर खाना खाने गए हैं। मेरा फास्ट है, मैं तो खाना खाऊंगा नहीं, लेकिन चाय या लस्सी पीऊंगा जाके अंदर। तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी और मिलते हैं उसके बाद में। सर चले गए हैं ब्रेकफास्ट करने, वो लंच करने, और लंच करके आ जाएंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से 15-20 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं लस्सी या चाय पी लेता हूँ, अंदर जाके मिलता हूँ उसके बाद। भाई 2:45 हो चुके हैं और सर खाना खा के आ गए हैं, लंच हो गया बढ़िया से मोगा ढाबा पे। तो अभी सर से पता करते हैं, मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने लस्सी पी थी क्योंकि मेरा फास्ट है, तो लस्सी के अलावा मैंने और कुछ नहीं खाया पिया। तो अभी सर से पता करते हैं सर ने क्या खाया और क्या टेस्ट था मोगा ढाबा का। सर क्या खाया था आज? मैंने तो चाय पिया है, चाय अच्छी है यहाँ की, चाय बढ़िया है ना? चाय बहुत अच्छी है। और सर पराठे भी बहुत बेस्ट हैं। पराठे खाए थे आपने? कौन से, सादा या गोभी के? प्याज आलू आलू वाले पराठे, आलू प्याज ना, आलू प्याज के सर ने पराठे खाए थे मोगा ढाबा के। पराठे बहुत ही बेस्ट लगे, सिके हुए बढ़िया थे ना एकदम, बिल्कुल टेस्ट एकदम बढ़िया आ रहा था, टेस्ट बढ़िया था, जो क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वांटिटी भी बढ़िया थी, मतलब बड़ा पराठा था ना बढ़िया। सो गाइस पराठा बहुत ही मस्त बता रहे हैं, और इन जो टूरिस्ट ढाबा है ना, कोई भी ले लो, सब अपनी क्वालिटी को इतना मेंटेन रखते हैं कि राइडर उनके यहाँ एक बार खाने के बाद वो दोबारा उनके दिमाग में नाम बस जाता है। तो नेक्स्ट टाइम सर आप यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो गाइस सर ने बोला अगर इधर से कभी भी निकलेंगे तो मोगा ढाबा पे ही ट्राई करेंगे खाना नेक्स्ट टाइम। सो गाइस अभी खाना वाना हो गया हमारा और अभी निकल रहे हैं, तो अभी हमें दिखा रहा है 1:30 या 1.5 घंटा लगेगा समथिंग हमें पहुँचने में गाजियाबाद 62 के आसपास। तो पहुँच रहे हैं, मिल रहे हैं पहुंच के, सर को ड्रॉप करेंगे उसके बाद में। तो अभी बोल देते हैं सभी लोगों को बाय बाय। छः बज के 55 मिनट और मैं पहुंच गया हूं अपने घर। राइडर को मैंने ड्रॉप कर दिया था तकरीबन 4:30 सेक्टर 62 पे, और कुछ लोग उतर गए थे लाल कुआं पे क्योंकि ग्रुप गया था ना ऑफिस का, तो 2-3 जगह ड्रॉप करा था, तो लाल कुआं करा था और सेक्टर 62 पे ड्रॉप करके फिर आ गया अपने घर डायरेक्ट। मैं 5 बजे आ गया था घर पे,
फिर मैं वही इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, गाड़ी चला रहा तो फ़ोन पे फ़ोन आए पड़े, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़ोन ना करा करें इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे जो भी आपके मैसेज हैं, रिक्वायरमेंट है, गाड़ी बुक करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप मैसेज कर दो या फिर रिकॉर्ड करके भेज दो, एक मिनट की रिकॉर्डिंग चली जाती है इंस्टाग्राम पे। तो उन लोगों से कॉल करके मना करने लगा, सर प्लीज़ कॉल ना करा करें, उन्हें समझाया, काफ़ी लोगों को समझाया, तो बोले ठीक है सॉरी सर आगे से कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि कॉल आते समय कस्टमर होते हैं ना तो पूछते हैं किसकी कॉल है, ये है वो है, तो कंप्लेंट हो जाती है, अच्छा नहीं लगता किसी के सामने कॉल आ रही है तो, और फिर मैं बात भी कर नहीं पाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल ना करा करें और डायरेक्ट मैसेज करा करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं और खाना बन गया, मम्मी ने खाना बनाया पराठे, व्रत है ना आज मेरा तो व्रत खोलने के लिए बैठा हूँ, तो मैंने कहा ब्लॉग एंड कर देता हूँ पहले। सो गाइस खाने में बना है, ये दाल है, सूखे आलू हैं, पराठे हैं और पानी है, तो ऐसे ही कुछ है। बाकी खाना खा लेता हूँ, व्रत खोल लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। ब्लॉग देख लिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।